हेलो फ्रेंड्स, मेरे ड्राइंग चैनल में मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें पार्ट वन और पार्ट टू के बारे में बात करी थी। अब पार्ट थ्री के बारे में हम बात करते हैं। पार्ट वन में इस तरह से था, पार्ट टू में मेरे जो वीडियो में बताया था इस तरह से था। पार्ट थ्री के अंदर हम काम करेंगे। पार्ट थ्री में क्या करना है, जो आपने पार्ट वन और पार्ट थ्री में काम करा वही काम करना है, स्टेप थोड़ी सी चेंज करना है ना। तो हम यही बैक की तरफ जाएंगे, आपको इस तरह से छोटी सी लाइन बना के जिगजैग जैसा बनाना, आपको अप डाउन इस तरीके से अप डाउन ऐसे लाइन बनानी। जैसे आप बनाते आपको लगता है कि यहाँ हम अब थोड़ा सा हाथ आगे नहीं जा रहा है, तो आप क्या करें, सीधी लाइन बनाएं, फिर ऐसे अप डाउन जिगजैग लाइन बनाएं, ठीक है। चाहे छोटी बनाएं, फिर ऐसे बनाएं, फिर ये करके फिर ऐसे करें। अब इसमें कोई भी पॉइंट हाफ सर्कल अगर सही से नहीं बनता है तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बिगड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वाला जो स्मार्ट होना चाहिए वो सुधरना चाहिए, गलती वहाँ देखना चाहिए। आप जितने चाहे उतने बनाएं। आपको चीज ध्यान रखना है, मेजरमेंट लेके चलना है। आपको ऐसे लाइन बनाया और वो इस तरीके से जो अप डाउन लाइन बनती है हमारी, ये लेवल और ये लेवल, यहाँ हम अगर लाइन बनाते हैं तो दोनों को टच होना चाहिए, लेकिन ये स्पेस और ये स्पेस एक जैसा होना चाहिए और सीधा लाइन सीधी जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको वही स्टेप जो आपने पार्ट टू में जो स्टेप्स बनाई थी उसी तरीके से, ये इस तरीके से लेफ्ट टू राइट आना है। यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने स्पेस दी अपने नहीं दी, अब यहाँ दो सर्कल सही हो गए, ये थोड़ा गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो हमको चिंता नहीं करना है। लेकिन ये देखो, यहाँ से हम नीचे की तरफ आ गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये बिल्कुल सीधा सीधा होना चाहिए। हमारी जो स्टेप्स लाइन बनाने वाली होती है वो सीधी होना चाहिए। जैसे हम इसको मैच करेंगे तो ये स्पेस बराबर होके सही आ जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे भी करना है और ये ऐसे ऊपर से नीचे आने वाला जो स्टेप्स है उस पर भी सीधे से काम करना है। डरना नहीं है किसी भी काम में, घबराना नहीं है, थोड़ा सा मन लगाना है और एंजॉय करके काम करना है। आप अच्छे से बढ़िया से वो लगा लो घर पे और फिर जो भी आपको पसंद हो और मजे से काम करें। जितने आप मस्ती के साथ काम करेंगे उतने ही अच्छे से होगा, वो बड़ा मजा आएगा ड्राइंग से। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ही साइलेंट हम बैठ गए हो, हाँ सोचना जरूर चाहिए हमको कि किस तरह से बनाया, वो कर सकते हैं, पर हमको माइंड में लोड नहीं लेना, बिल्कुल फ्री माइंड बनानी चाहिए। फ्री माइंड फ्री हैंड, दोनों चीज़ें ध्यान रखना। ये भी आया, अब यहाँ से हम नीचे से ऊपर की जाएंगे, डाउन साइड से ऐसे अप साइड। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसे करते करते स्पेस देते गए और पूरा पेज फिल कर दिया जल्दी जल्दी, वो भी नहीं करना है। क्योंकि सीखना हमको है और अच्छे से सीखना है। जिस तरह से मैंने यहाँ पेंटिंग बनाई, मैं इसका वीडियो भी शेयर करता हूँ यूट्यूब पे, मेरे और भी वीडियो हैं पेंटिंग के, वो भी आप देख सकते हैं। पर जब हमको सीखना ही है तो मैं दोनों चीज़ें आपको बता दूँ कि पेंटिंग वाला वीडियो भी और ये भी, ये इस तरीके से, ठीक है। अब कोई गड़बड़ होता है जैसे यहाँ से इस तरह से लग रहा है आपको, वो नहीं देखना है। सीक्वेंस पे बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ अभी प्रैक्टिस पे बात कर रहे हैं कि सेम बनाने के लिए जो सीक्वेंस चाहिए, जो प्रैक्टिस चाहिए, वो अलग चीज़ हो गई। ड्राइंग सीखने की जो बेसिक प्रैक्टिस है उस पर हम काम कर रहे हैं, ना कि सीक्वेंस पे काम कर रहे हैं। इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। इसमें थोड़ा मजा आएगा, वो लाइन खींचने वाला जो प्रैक्टिस अगर आपने अच्छे कर लिया हो तो उसमें बहुत मजा आएगा। उसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है बोझक लगी हो। अब जिसने नहीं बनाया है उसे प्रैक्टिस नहीं करी है इन वाले पे, तो वो इसके ऊपर काम नहीं करें, ये मैं बता दूँ आपको। ऐसा नहीं कि वो तो लाइन खींच लेंगे हो जाएगा और हम यहाँ पे ये वाली स्टेप फॉलो करें, ऐसा नहीं है। जो काम आप अपनी ईमानदारी से करते हैं ट्रस्ट के साथ, वो ही काम करना है यदि आपको सीखना है।
और जिसको थोड़ा बहुत स्केच आता है, मैं तो चाहता हूँ कि वो भी इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे तो बहुत अच्छी ड्राइंग होती है। मतलब मैं अभी भी डेली प्रैक्टिस करता हूँ इन चीज़ों की, तो आप भी इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो ड्राइंग है वो बहुत इम्प्रूव होगा। इसमें फिर आगे लाइन आर्ट जो बहुत सारे ट्यूटोरियल में डालूँगा सही, पर लाइन आर्ट बनाना है, स्केच बनाना है, शेडो बनाना है, कुछ भी आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें काम आएंगी। ये देखो जो स्पेस थी मैं उस पर भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसको गैप देके पूरा पेज फिल करना है। तो आप जितना चाहो तो इसके पास पास भी, अभी वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मैं कि कैसे करना पास में, पर ये इस तरीके से आपको काम करना है। बहुत मज़ा आने वाला है। अब यहाँ देखो मैंने ये चीज़ें बहुत अच्छी से बनाई हैं और यहाँ सर्कल सही नहीं बनाया, आपको इसकी चिंता नहीं करना है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह से गड़बड़ कर दी तो सेकेंड टाइम जो लाइन बनाएगी उसको प्रॉपर बनाना है। अगर आपका मन नहीं लगता है तो 2 मिनट के लिए छोड़ देना है, आप दूसरा कुछ देख लो, गाने सुन लो, कुछ भी कर लो, परेशान नहीं कि जिसे ये करी जो जल्दी जल्दी करके हमने पेज पूरा फिल कर दिया, वो हमको नहीं करना है। अब एक और मिस्टेक बताता हूँ, यहाँ से मैंने ये यहाँ सीधा लिया, अब ये ऐसे यहाँ आना चाहिए, ये होती सीधी ना कि ये होती, तो यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है वो होता है सीधा बिल्कुल एग्जैक्ट, और मैं यहाँ आ गया हूँ, ये भी गलत है। आपको यहीं से शुरुआत करनी है, जो स्टेप्स यहाँ सही होगी तो अपने आप जाके वो सही हो जाएगी। तो ऐसा भी नहीं कि हम बस को ऐसे ऐसे बनाना है तो कुछ भी बना लो, वो नहीं, हमको इन चीज़ों को पकड़ के चलना है। जब हम ड्राइंग बनाएंगे, जब कोई भी ड्राइंग बनाएंगे तो उन चीज़ों को पकड़ के चलना पड़ता है। पकड़ना भी जो शेप है, मान लिया इसका जो शेप है उसी शेप को बनाना है, या जो लिखा हुआ है ये जो बना हुआ वही चीज़ बनानी है। अगर हम इस तरह से करेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी चल रही, यानी ई से ई तक जा रहा है यहाँ पर, तो हमको वो चीज़ें पकड़ के बनाना होती है, तो वो चीज़ें यहाँ काम आएगी। आप अगर यहाँ पे प्रैक्टिस गलत हो गई तो ये चीज़ भी गलत हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करूँगा कि जो चीज़ें बना रहे हैं वो एक एक पेज से बनाएं, एक ब्लॉक एक पेज पे, और उसको सही से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो मेरा ये पार्ट 3 यहाँ कम्प्लीट होता है, पार्ट 4 मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, आप उसे देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे से ड्राइंग सीख पाएंगे। ओके, थैंक यू।